हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने अगेन एक लाइफ लेसन और कुछ काउंसलिंग, कुछ यू नो टीनेज या ट्वेंटीज में क्या मिस्टेक्स करते हैं हम लोग, जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ। छोटा वीडियो है तो आखिरी तक जरूर देखना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चैनल आपका ही चैनल है, आपके लिए ही काम होता है इस पर। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जो एक पॉइंट लेके आने वाला हूं, वो थ्री मिस्टेक्स जो हमें अर्ली ट्वेंटीज में नहीं करनी चाहिए। अर्ली ट्वेंटीज की हम बात करें तो प्लस माइनस 3-4 साल इधर उधर चल सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, जो अगर आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप सर्टेनली कहीं बहुत अच्छे जगह पे होगे। आपकी डिजर्वेंस जो होगी वहीं पे आप होगे, इवन बेटर होगे, नीचे तो नहीं आओगे। तो जो पहला मिस्टेक है जो बच्चे ऑफन करते हैं, वो कभी भी रुक के अपने करियर में स्टार्टिंग में अपने कभी भी रुक के ये सोचते नहीं है कि उन्हें करना क्या है। एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूथ में कि वो सीरियसली कभी रुक के सोचते ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है, बिकॉज वो इतने बिजी होते हैं। मोस्ट ऑफ द उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो बड़े फोकस्ड होते हैं, उनकी भी, और उन बच्चों की भी बात कर रहा हूँ जो फोकस तो नहीं होते लेकिन ईजी वे में फ्लो करते रहते हैं। अब मैं आपको इस पे एग्जांपल देके बताता हूं। आपने कोई कॉलेज ज्वाइन किया, आईआईटी, आपने आईआईटी में सेलेक्ट कर होके आपने आईआईटी में पढ़ाई शुरू कर दी। आप वहां पे चले जा रहे हैं फोर्थ ईयर में, आपने कंप्लीट किया बीटेक, उसके बाद आपने एक जॉब ज्वाइन कर ली और आप उसमें आगे बढ़े जा रहे हैं। फिर जॉब के बाद स्विचिंग इधर उधर, फैमिली, शादी, बच्चे, आप इसी में बिजी हो गए। दूसरा एक बच्चा है, एनआईटी ज्वाइन किया, वो भी इसी तरह से। किसी और बच्चे ने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की, वो भी इसी तरह से। किसी ने MBBS ज्वाइन किया, वो भी इसी तरह से। कभी भी आपने रुक के सोचा ही नहीं कि एक्चुअली क्या आपको करना है, जिससे आपको आगे 10-20 साल चलने के बाद एक बहुत बड़ी लाइफ का सेटिस्फेक्शन मिले। पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट है, वो आएगा ही आएगा। तो आपको वहीं पे रुकना है और बहुत ही ठंडे दिमाग से आपको पूछना है कि आप किसके लिए बने हो। हो सकता है आपकी कोई एक ऐसी स्किल निकल के आ जाए जो आपको बहुत आगे लेके जाए। हो सकता है आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल हो और जो आपको पब्लिक डोमेन में ले जाके काम करने के लिए मदद करे, जैसे कि सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, तो आप वहां जा सकते हो। हो सकता है आप म्यूजिक में बहुत अच्छा कर सकते हो, यू मे गो फॉर एक्टिंग, बहुत अच्छा कर सकते हो। ये सारे जो टैबू हैं आज के टाइम के, इन टॉपिक्स पे आप अपना करियर बना सकते हो। बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रीम लाइन में चलो। यू हैव सेटिस्फाइड योर सेल्फ, यू हैव सेटिस्फाइड योर यू नो नियर एंड डियर दैट यू डिजर्व, यानी यू हैव सम यू नो एबिलिटी, क्योंकि आपने एक एग्जाम को क्रैक कर लिया, आप एक आगे लाइफ में बढ़ रहे हो। बट उसके बाद क्या करना है रियल में, वो आपको ठंडे दिमाग से सोचना है। एंड इफ यू आर स्ट्रांगली इनफ कन्विंस्ड, इफ यू आर कन्विंस्ड योर सेल्फ, अगर आप बढ़िया से उसको आगे से अपने से अपने को कन्विंस कर लेते हो, तो आप आराम से उधर मूव कर जाओ। बिलीव मी, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आप पैरेलली कुछ बैकअप रख सकते हो, और कुछ कुछ केसेस में लोग कहते हैं थोड़ा बहुत बैकअप चाहिए भी, लेकिन आप अपने डिजायर्ड को, जो आपकी इच्छा है करने की, वो जरूर अपने आप से पूछो, फिर फॉलो करो। मैं एग्जांपल बताता हूं। जब हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, तो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज में एक माहौल होता है, उसमें होता है कि स्टार्टअप करना है, यू नो कोई कंपनी ज्वाइन करनी है, और सब जगह वो यू नो पब्लिक सेक्टर को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर की बातें होती रहती है। एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप सिविल सर्विसेज में जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, यू नो नेता लोग का डोमिनेंस है। जबकि उसके बाद जब मैंने रियल लाइफ में देखा, हमने कहा नहीं यार, तो सिविल सर्विस में जाना एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता था, जो मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया, स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। आप एक बहुत कम एज में भी आप एक सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और ये जो इंटरफेरेंस है ये इतना ज्यादा भी नहीं होता जितना बताया गया था। सो मेनी टाइम्स यू आर इंडिपेंडेंट टू परफॉर्म योर ड्यूटीज और इंप्रेस द सोसाइटी, इन्फ्लुएंस द सोसाइटी और चेंज ला सकते हो सोसाइटी में। तो ये मैंने मिस किया, मुझे नहीं बताया गया, मुझे बड़ा ही मिसकंसेप्शन दिया गया, और मेरे पास इतना कभी समय नहीं हुआ कि मैं इसको सर्वे करूं, सर्च करूं। सिमिलरली कई बच्चों को मैं जानता हूं जो बहुत अच्छे डांस में थे और म्यूजिक में थे, वो वहां पे कल्चरल एक्टिविटीज में तो दिखाते थे लेकिन उसके बाद वो सिमट गए।
कुछ ऐसे एक्सेप्शनल टैलेंट, एक एक टैलेंट को मैं जानता हूं अपने कॉलेज में, जो बॉलिंग बहुत बढ़िया करता था, बहुत ही फास्ट बॉलर था वो, बट वो उसने अपने टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं किया। तो आज के टाइम में, आज का जमाना बदल गया, आप अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको सिर्फ गूगल पे सर्च मारना है। तो ये आप प्लीज मेरी बात मानना और अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने आप से पूछना, अपने आप को आंसर करना और सारे अपने डाउट्स को क्लियर करना कि आप कर कह सकते हो। दूसरा पॉइंट है, आप अपने पेरेंट को लेके, यू नो कई बार आपके रिप्ट हो जाते हैं, कई बार आप यू नो कन्विंस नहीं होते हो, बट मुझे लगता है कि अपने पेरेंट को बड़े ही ख्याल से, बड़े ही सम्मान के साथ आप अपने पेरेंट्स के साथ पेश आओ और उनको कोशिश करो कि उनको आप बहुत खुशी दो। क्योंकि जब आप पेरेंट कर बनते हो तब आपको रियलाइज होता है, और तब तक आपके पेरेंट्स या तो बूढ़े हो जाते हैं या नहीं रहते दुनिया में। तो ये जो एक रिग्रेट होता है पूरी लाइफ में सभी लोगों को, ये आप लोग को उसी टाइम से उनको रिस्पेक्ट करना है, उनको उनके उनके ये नहीं सोचना है कि नो एक गैप है आपके पेरेंट में और आपके, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो उनकी जो अपनी डिजायर्ड है, टिपिकल हम लोग इंडिया में रहते हैं तो उनकी डेफिनेटली कुछ ऐसी डिजायर्ड होंगी जो आपसे मैच नहीं करती। आप मे बी यू मे सीक इंडिपेंडेंस और यू नो एनीथिंग एल्स, बट आपको सोचना है कि उन्होंने आपको बड़े ख्याल से, बड़े प्यार से आपको लाइफ दी है और आपको सवारा सजाया और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा किया। नाउ इट्स योर टर्न टू गिव हिम बैक एंड यू नो दे डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम योर साइड। उन्हें जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं उससे आप ज्यादा दोगे तो और अच्छी बात है। और ये आपको फिर पूरी लाइफ, बिकॉज रेस्ट ऑफ द लाइफ यू मे फील रिग्रेट, आपको रिग्रेट हो सकता है, तो रिग्रेट से बचाएगा, ये फैक्ट है। एंड यू मे आस्क टू योर एनी सीनियर्स, एनी कोलीग और एनी एल्डर, और सबके मोस्ट ऑफ द लोगों के लाइफ में रिग्रेट रहता है। तो ये भी आपको बचाना है, बताना है, ये ऐसी बात है जो जनरली हम नहीं करते हैं। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है, करियर में कुछ भी आप करो बट डोंट गो जस्ट फॉर मनी। केवल पैसों के लिए आप नहीं भागो, पैसा हमेशा याद रखना हमेशा बाई प्रोडक्ट होता है। अब आप सोचो कि पहला और तीसरे पॉइंट में क्या डिफरेंस, तो मैं बताता हूं। तीसरा पॉइंट है कि आप कोई भी करियर स्टार्ट किए वहां पे आप सिर्फ अर्निंग करने लगे, नहीं, अब मैं अपने सेटिस्फेक्शन के साथ साथ जो पहले भी मैंने बोला था, तीसरे पॉइंट में कि आप सोसाइटी को भी कुछ देने की कोशिश करो, बिकॉज सोसाइटी आप डिजर्व करती है। आप कुछ भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करो, कुछ नहीं कर सकते तो यू नो दो लोगों को कुछ हेल्प करो, दो लोगों की लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करो, और ज्यादा कर सकते हो तो पूरे कॉलोनी की लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करो, और ज्यादा कर सकते हो पूरी सिटी के लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करो, और ज्यादा तो कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई स्टेट, कोई पूरे इंडिया को। तो ये आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो ये आपको देखना है, बट आपके कंट्रीब्यूशन से, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से सोसाइटी बेटर होगी और आपकी जो ये मदरलैंड है ना, भारत माँ, या आप अपने जिस भी कंट्री में रहेंगे उसको डेफिनेटली फायदा होगा, तो आपको वो गिव बैक करेगा। ये नेचर का रूल है, यानी आप सब लोग को मैं बोलूंगा कि सिर्फ पैसे के लिए मत भागो, सोसाइटी को देखो। आपके अर्निंग से अगर सोसाइटी को नुकसान हो रहा है तो ऐसा मत करो। मैं फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटी बात बताता हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, जब भी इन्वायरमेंटल ड्यून आएगा तो ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, पेड़ बनाएंगे, सेव इन्वायरमेंट, और उनके ऑफिस सबसे ज़्यादा उल्टा होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं होते, ग्लासेस की वॉल्स होती हैं, यू नो उनके केबिन्स, उनके ऑफिसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे हर वक्त एसी चलता है, कोई वेंटिलेशन नहीं, अननेसेसरी लॉस ऑफ पावर, लॉस ऑफ एनर्जी, जो जो आप कहते हो ना, वो बाकी अपने प्रोफाइल में हर जगह लिखेंगे कि हमें इन्वायरमेंट को बचाना है, हमें पेड़ पौधे लगाना है, लेकिन खुद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, आर्टिफिशियल लाइफ में जीते हैं। और सबसे ज़्यादा वो कार्बन कह सकते हो आप छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये नहीं बनना है आपको, आपको रियल में कुछ चेंज लाना है। ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ कि हर दिन वो उनके सबसे ज़्यादा उनके घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, उनके कार में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, लेकिन जब लेक्चर देना हो तो कुछ भी बोलने लगते हैं। आपको ये नहीं बनना है, आपको कुछ सोसाइटी को, सोसाइटी का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आपने केवल सोसाइटी को दे, आप इन्वायरमेंट को भी दे सकते हैं, वो भी आपकी सोसाइटी है, इन्वायरमेंट सेव कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा काम, मैं बिल्कुल आपको डिफाइन नहीं कर रहा हूं। तो ये तीन पॉइंट, पहला क्या था कि आपको अपने आप को थोड़ा होल्ड करना है, थोड़ा रुक के सोचना है कि आप एक्चुअली क्या कर सकते हो। सेकेंड, अपने पेरेंट्स के लिए आपको वर्क करना है। थर्ड,
आपको केवल पैसे के पीछे नहीं भागना है, सोसाइटी, समाज, इन्वायरमेंट सबके लिए कुछ ना कुछ बैक देना है। सो दिस वॉज ऑल 3 पॉइंट्स जो आपको अर्ली 20s में करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।